नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो ये हैं आपके अशोक कुमार। आपके टोक्यो ओलंपिक जो होने वाले थे 2020 में, अब 2021 में भी इस पे थोड़ा सा चल रहा है कि होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके अंदर ओलंपिक कुश्ती के अंदर रेसलिंग के अंदर ये एम्पायरिंग करने वाले इनका नाम है अशोक कुमार। और ये जो अशोक कुमार है दोस्तों, ये अशोक कुमार आप देख सकते हैं, ये अशोक कुमार है। और ये जो अशोक कुमार है दोस्तों, ये आपके टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले पहले भारतीय हैं। और ये रेफरी के शिक्षक भी हैं, ध्यान रखना, ये रेफरी के शिक्षक भी हैं। तो रेफरी के जो टीचर होते हैं उनका काम भी ये करते हैं, याद रखना। और इनको जो सेलेक्ट किया है, वो सेलेक्ट किया है इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, राइट। इसके अंदर ये रेफरी के शिक्षक के तौर पे काम करते हैं। इनका नाम ध्यान रखना दोस्तों, अशोक कुमार, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले पहले भारतीय, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, वंदन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड द्वारा किसके साथ साझेदारी की गई है। ट्राइफेड के बारे में पहले दोस्तों काफी बार मैंने आपको बताया हुआ है ट्राइफेड के बारे में। और ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और ट्राइफेड ने अभी साझेदारी की है, ये की है नीति आयोग के साथ, ये साझेदारी की है इसने नीति आयोग के साथ, याद रखिएगा, नीति आयोग के साथ इसने साझेदारी की है। और बाकी के बारे में बताया तो नाबार्ड आप जानते ही हैं, ग्रामीण बैंक के, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1982 में, मुख्यालय कहाँ है मुंबई में। एसबीआई की स्थापना ध्यान रखना दोस्तों 1955 है। और एसबीआई का पुराना नाम काफ़ी बार एग्जाम में आता भी है और पूछा भी जाता है, पुराना नाम है इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। मुख्यालय इसका मुंबई में, इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। और पीएनबी दोस्तों याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1894 में, याद रखना। और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, राइट। अब ट्राइफेड के साथ जो साझेदारी की है वो करिए नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में आपको पहले बताया गया, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर, राइट। ये देखिए ट्राइफेड की फुल फॉर्म आपको बताई गई है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मतलब जनजातीय क्षेत्रों के लिए काम करता है ट्राइफेड। और नीति आयोग के साथ इसने साझेदारी की है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के साथ इसने साझेदारी की है। और 39 जनजातीय जिलों में वंदन विकास योजना के तहत वंदन विकास केंद्र की पहल की जाएगी। वंदन विकास केंद्र की पहल की जाएगी मतलब ये होगा जो जनजातीय क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए रोजगार का निर्माण करने का ये काम करेगा। और कुछ जिलों को शामिल किया जाएगा जैसे कि आंध्र प्रदेश के जिले, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र आदि के कुछ जिलों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब ये जो वंदन विकास केंद्र हैं, वंदन विकास केंद्र वन आधारित जनजाति के लिए एक स्थायी आजीविका के निर्माण की सुविधा स्थापित करेगा। मतलब ऐसी जनजाति जो वनों में रहती है, जंगलों में रहती है, उनके लिए रोजगार का निर्माण, उनके लिए आजीविका का निर्माण किस तरीके से किया जाना है या उनके आजीविका निर्माण किस तरीके से किया जाएगा वो इसके अंदर किया जाएगा। कुछ चुनिंदा राज्य इसके अंदर लिए गए और उसके अंदर से कुछ चुनिंदा जिलों को इसके अंदर लिया जाएगा। और ये उन जिलों पर विशेष ध्यान देगा दिया जाएगा जहां पर जनजाति आबादी 50% से अधिक है, ध्यान रखना, जहां पर जनजाति आबादी 50% से अधिक के वहां पे ये ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ध्यान रखना ट्राइफेड कोऑपरेटिव मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में, राइट। और ध्यान रखना जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रहा है ट्राइफेड, हमेशा आप समझ जाना कोई ना कोई जनजाति के लिए काम कर रहा होगा, राइट।
और नीति आयोग इसमें इसका सहयोग करेगा और इसके तहत क्या होगा, वंदन विकास केंद्र खोले जाएंगे, वंदन विकास योजना के तहत वंदन विकास केंद्र जो खोले जाएंगे, जो वन में रहने वाली जनजाति है उनके लिए आजीविका निर्माण करना और उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना या उनके लिए अदर कोई सहायता जो कर सकते हैं वो पूरा काम इसके अंदर किया जाएगा, राइट, ध्यान रखना। और ये अधिकतर उस क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा जहां जनजातीय क्षेत्रों की आबादी 50% से ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किसे अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, किसे अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, इनका नाम है जगजीत पवाड़िया, याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है जगजीत पवाड़िया, ये आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, जगजीत पवाड़िया, इनको बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, जगजीत पवाड़िया अंतर्राष्ट्रीय नार्को नियंत्रण बोर्ड की नई अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पे, वियना में, वियना, वियना में, और वियना आप जानते ही हैं ओपेक का मुख्यालय भी कहां पे दोस्तों, वियना में। और अभी आपको याद है पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुकी है और पेट्रोल और जो ओपेक है, ओपेक पूरी दुनिया का 80% तेल निर्यातक देश है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, ध्यान रखिएगा ओपेक, राइट, वियना, ओपेक का, ओपेक का मुख्यालय भी कहां पे, वियना के अंदर, ध्यान रखना नार्कोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय वियना में, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1968 में, जगजीत पवाड़िया, रखिएगा जगजीत पवाड़िया को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन है, भारत की पहली, भारत की पहली उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन है, इनका नाम है वो ओलेटी, इनका नाम है वो ओलेटी, ध्यान रखना वायुसेना के अंदर है ये, वायुसेना के अंदर है वो ओलेटी, और इनका जो पूरा नाम है दोस्तों, पूरा नाम है आश्रिता वी ओलेटी, आश्रिता वी ओलेटी इनका पूरा नाम है, और यह ध्यान रखना भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, और भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला, ध्यान रखना पहली भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला, 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम में स्नातक, 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम में स्नातक थी, राइट, ध्यान रखना। और वायुसेना आपको बताया गया है, वायुसेना दिवस कब आता है दोस्तों, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और इसके जो एयर चीफ मार्शल है वो है राकेश कुमार भदौरिया, याद रखना राकेश कुमार भदौरिया, तो क्या नाम है इनका दोस्तों, आश्रिता वी ओलेटी, भारत की पहली महिला उड़ान इंजीनियर, और ये वायुसेना में एक योग्य पाई गई थी और इनको इसलिए पहली इंजीनियर बनाया गया, ध्यान रखना 43वें उड़ान परीक्षण में इन्होंने इस पाठ्यक्रम में स्नातक कर रखा है, स्नातक कर रखा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, अलका रघुवंशी का संबंध किस क्षेत्र से था, अलका रघुवंशी, अलका रघुवंशी, अलका रघुवंशी का संबंध किस क्षेत्र से था, राइट, अलका रघुवंशी का संबंध था दोस्तों ये लेखक, लेखक और कला, इक्वेटर दोनों ही थी, लेखक भी थी और कला में भी थी, और ये इनका हाल ही में निधन हो चुका है, अलका रघुवंशी, ये रही आपकी अलका रघुवंशी, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है, और ये लेखक और कला के अंदर थी, लेखक और कला में इनका क्षेत्र तो था लेखक और कला, और भारत की पहली प्रशिक्षण कला निरीक्षक थी,
भारत की पहली महिला प्रशिक्षक, भारत की पहली प्रशिक्षण कला निरीक्षक के नाम से इनको जन जदीय खिताब इनको मिला था। ध्यान रखना अलका रघुवंशी, अलका रघुवंशी, अलका रघुवंशी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, सेवन लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? सेवन लेसन्स ऑफ एवरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है आदित्य गुप्ता के द्वारा, आदित्य गुप्ता के द्वारा। ये एक जो बुक है, ये एक बुक एक 50 साल के व्यक्ति हैं जो 2019 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे और उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और इस बुक का जो मेन मकसद है लगभग 1 करोड़ रुपए से इकट्ठा करना और वो बच्चों के अधिकार के लिए, बाल अधिकार के लिए देना, ये इसका मकसद है। देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। ये जो बुक लिखी गई है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, सेवन लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट आदित्य गुप्ता, एक्सपेडिशन लर्निंग फॉर लाइफ एंड बिजनेस, राइट। और ये जो आदित्य गुप्ता हैं, सातवें लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट बाल अधिकारियों के लिए धन जुटाने के लिए पुस्तक, बाल बाल अधिकारों के लिए धन जुटाने के लिए ये काम करेगी, उसके लिए एक पुस्तक है और इसका लक्ष्य रखा है 1 करोड़ का, इसका लक्ष्य रखा है 1 करोड़ का। इस बुक से जो आय होगी दोस्तों, वो एनजीओ, जो एनजीओ है चाइल्ड राइट एंड यू को दी जाएगी, चाइल्ड राइट्स एंड यू को ये बुक, मतलब वो आय पूरी दी जाएगी। और ये जो पुस्तक दोस्तों, ये लिखी गई है 2019 में 50 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लेखक का अनुभव बताती है, लेखक का अनुभव बताती है, राइट। उसका अनुभव कैसा रहा 50 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के आने का। और इससे जो आय होगी दोस्तों, ध्यान रखना ये जो बुक मेन मकसद है बाल अधिकारों के लिए धन जुटाने के लिए, इस पुस्तक जो आय होगी वो एनजीओ चाइल्ड राइट्स एनडीयू को दी जाएगी। 1 करोड़ का इसका लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखना आदित्य गुप्ता द्वारा ये बुक लिखी गई है, सेवन लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, सेवन लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? और ये जो योजना शुरू होगी दोस्तों 10 जुलाई से शुरू होगी, 10 जुलाई से शुरू होगी, इसका प्रारूप पूरा तैयार हो चुका है। और ये जो राज्य दोस्तों, ये है केरला, यह है केरला। इस योजना के तहत दोस्तों, जो महिलाएं उनको अपने रसोई के नवीनीकरण के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, रसोई के लिए उसके उनके रसोई के रिन्यूएबल के लिए सुविधा, मतलब ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसके अंदर। और केरला ने ये शुरू करी है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप स्मार्ट किचन योजना, और ये 10 जुलाई 2021 से शुरू की जाएगी। और इस योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा, इस योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। और कौन सा राज्य है दोस्तों? केरला, ध्यान रखना स्मार्ट किचन योजना केरला द्वारा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस दोस्तों, माउंट एवरेस्ट आप जानते ही हैं कहाँ पे, नेपाल में, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 मई को, याद रखना ये मनाया जाता है 29 मई को, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को ये डे मनाया जाता है, मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये जो डे है, आपको याद हो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे ने इस दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कौन सा वर्ष था? 1953, ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा वर्ष था? 1953 पे उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी, राइट। और 2008 में नेपाल में उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना। और माउंट एवरेस्ट को नेपाली जो नाम है वो है सागर माथा, माउंट एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है
वो है सागरमाथा। दोस्तों याद रखिएगा, सागरमाथा, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, सीरिया का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है। वैसे तो ये जो चुनाव हुए थे इनको काफ़ी सारे देशों ने नहीं माना है, मतलब एक मतलब बोल सकते हैं कि जबरदस्ती के चुनाव हैं और विरोध कराया काफ़ी लोगों ने, मतलब बेईमानी हुई है इसके अंदर। ये जो बनाए गए इसके राष्ट्रपति वो हैं बशर अल असद। बशर अल असद को सीरिया का राष्ट्रपति बनाया गया है। ये रहे बशर अल असद, काफ़ी सारे देशों ने इसका विरोध भी किया है। और ये जो सीरिया के हैं दोस्तों, ये सीरिया के 19वें राष्ट्रपति हैं। बशर अल असद सीरिया के 19वें राष्ट्रपति, और इसकी राजधानी ध्यान रखें दोस्तों दमिश्क, और इसकी जो मुद्रा है वो है पाउंड। आईएसआईएस के लिए ये फेमस हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किसे नया वाणिज्य सचिव, किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया। वाणिज्य सचिव के अधिकारी के रूप में भी काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में भी काम करें। इनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। इनका नाम है दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम। और ये देख सकते हैं बीवीआर सुब्रमण्यम को वाणिज्य विभाग के विशेष अधिकार विशेष कर्तव्य के लिए, वाणिज्य विभाग में विशेष कर्तव्य पर एक अधिकारी के रूप में ये कार्य करेंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम, राइट। ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।